कोरोना वायरस महामारी का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 1 लाख से अधिक नए मामले सामने आए हैं, जिसे देखते हुए कुल्लू ढालपुर बॉयज सीनियर सेकेंडरी स्कूल में चल रहे एनएसएस शिविर के दौरान स्वयंसेवियों और एनएसएस छात्रों द्वारा कोरोना महामारी से बचाव के लिए एक रैली का आयोजन किया गया। इस अवसर पर प्रधानाचार्य भीम कटोच ने हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया। इस दौरान एनएसएस प्रभारी लालचंद ने बताया कि 7 दिवसीय एनएसएस शिविर के दौरान हर दिन अलग अलग प्रकार की विभिन्न गतिविधियां आयोजित करवाई जाती है। उन्होंने कहा कि आज 6वें दिन कोरोना वायरस से जनता को जागरूक करने के लिए रैली का आयोजन किया गया है। को अवगत कराना चाह रहा हूं कि हमारा जो 7 दिवसीय जो एनएसएस का शिविर जो है ढालपुर छात्र स्कूल में जो चला हुआ है, इसके तहत जो है हर दिन की हमारी अलग अलग से एक्टिविटियां की जा रही है, जिसमें आज हमारा जो 6ठा दिन है, जिसमें हमारी सबसे अहम जो एक्टिविटी है कोरोना वायरस से जनता को जागरूक करने के लिए रैली का आयोजन किया जा रहा है। इसमें जो है आज पिछले कल रात को जो है बच्चों को मैंने जो है ये स्लोगन राइटिंग कंपटीशन करवाया, और साथ में जो ये स्लोगन जो है आप देख रहे हैं, तो ये जो है सभी बच्चों ने बड़ी मेहनत से इसमें रुचि दिखाई और हर स्लोगन में कुछ ना कुछ मीनिंग छुपा हुआ है, जिससे जनता को जो है कोरोना से जागरूक करने में जो है सहायता होगी। और साथ में जो है ये जो कोरोना महामारी है ये पूरे विश्व से के सभी देशों की आर्थिक स्थिति को बहुत खराब कर दिया है, यहाँ तक कि हमारा हिमाचल प्रदेश और भारत भी इससे नहीं छूता रहा है। और इससे जो है कोरोना के जितने भी केसेस आए हैं और इसके जो अलग अलग वेरिएंट आ रहे हैं, आजकल जो ओमिक्रॉन जो है साथ में सामने बहुत से केसेस आ रहे हैं, और हम चाहते हैं कि इस रैली के माध्यम से सभी जनता एक बार फिर से अपने प्रॉपर जो है कोरोना वायरस के नियमों का पालन करें, जैसा कि मास्क प्रॉपर लगाना, सैनिटाइज़र और 2 गज की दूरी, और इसका जो है ध्यान रखें, और साथ में ही जो है ज़्यादा भीड़ भाड़ वाली जगह में ना जाएं। इसी संदेश से जो है आज हमारी एनएसएस यूनिट ढालपुर कुल्लू जो है इस रैली के माध्यम से सभी जनता को जो है एक विशेष संकेत दे रही है, ताकि आने वाला जो टाइम है ओमिक्रॉन और कोरोना से बचा जा सके। धन्यवाद। सिटी चैनल के लिए कुल्लू से दिलीप ठाकुर की रिपोर्ट।